हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि सेलिंग फैन यानी कि छत वाला पंखा में दोस्तों कितना MFD का कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर लगाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये 315 कभी भी आप बाइंडिंग करते हैं सेलिंग फैन तो उसमें 315 का कंडेंसर नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसलिए जल्दी कोवाइल हीटिंग कर जाता है, यानी कोवाइल जल्दी हीटिंग कर जाएगा और जल्दी जलने का संभावना रहता है दोस्तों। यानी कि 315 का कैपेसिटर सेलिंग फैन में आप कोवाइल बाइंडिंग करके देते हैं तो 315 का आप नहीं लगाइएगा, न तो कोवाइल जल्दी से जल्दी हीटिंग करेगा और खराब हो जाएगा दोस्तों। तो कौन कौन सा कैपेसिटर उसमें लगाना चाहिए उसको बारे में आपको क्लियर से समझाते हैं दोस्तों। देखिए कितना MFD के 2.0 यानी कि 2.25 के लगा सकते हैं, 2.25 के, और ज्यादा से ज्यादा 2.5 यानी कि हाई MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से चलेगा। और हल्का इससे स्पीड 315 से स्पीड ज्यादा रहता है यानी कि इससे थोड़ा कम हो जाता है तो ठीक है, आप कोवाइल को लास्टिंग ज्यादा होगा इसलिए आप 2.25 के लगा सकते हैं, चाहे अढ़ाई MFD का लगा सकते हैं। तो सेलिंग फैन में यह 2 कैपेसिटर लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरीका से चलेगा, कोवाइल हीटिंग नहीं करेगा दोस्तों, कोवाइल को लास्टिंग ज्यादा करेगा। ठीक है, और 315 यानी कि 315 देखिए 315 लिखा होता है उसको आप लगाएंगे तो कोवाइल को हीटिंग ज्यादा करेगा और लास्टिंग कम करेगा तो गहकी के शिकायत ज्यादा आएगा दोस्तों। इस चलते आप बाइंडिंग करके देते हैं तो उसमें आप 2.25 लगा सकते हैं या 2.5 लगा सकते हैं, किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। स्पीड थोड़ा कम रहेगा मगर कोवाइल को लास्टिंग ज्यादा चलेगा, तो हम कोवाइल बांधे हैं तो हमको इसमें स्पीड हल्का कम रहेगा उस अच्छा रहेगा मगर कोवाइल ज्यादा लास्टिंग करेगा दोस्तों। तो इसी वजह से 315 के कैपेसिटर नहीं लगाया जाता है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।